श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरदास केशव। पैंट पहनी है कि नहीं? अले गोलू बताइयो जरा, अले पहनी तो है, शर्ट इतने नीचे कैसे आई लाला की? केशव ने रात में क्या किया बताओ। हाँ अभी बताती हूँ। कल क्या हुआ कि आजकल हम ना प्रभु के चरणों में, मतलब ये जो नीचे जगह रहती है, हम वहीं पे आके लेट जाते हैं। तो कल थोड़ा सा काम कर रहे थे तो अपने जो एग्जैक्ट समय है हम उस पर नहीं आए थोड़ी देर, और ईशु और खुशी आ गए थे, वो एक साइड लेटे थे। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ फिर तभी चलती हूँ कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम ना जैसे ही, क्योंकि बाकी सब लाइट्स तो बंद थी, हमारे रूम की लाइट जली हुई थी, तो हमने जैसे ही वो मतलब बाहर निकलने के लिए, तो सोना ने बोला कि मैं दूसरी ड्रेस जो है पहन लेती हूँ। तो वो पहनने के लिए जैसे ही उसने दूसरी शर्ट निकालने के लिए अलमारी खोली, तभी उसी वक्त उसने क्या देखा, मैं तब तक वॉशरूम गई हुई थी, तो उसने देखा, देखो केशव हंस रहा है, कि उसने देखा कि एक लड़का चड्डी और बनियान पहने हुए, ईशान मतलब मेरे बेटे के बराबर की मतलब हाइट थी उसकी, ईशु के, और वो उससे भी थोड़ा छोटा ही समझो, है ना, छोटा था, मतलब होगा 6-7 साल का समझ लीजिए, इतना बड़ा बच्चा। मतलब सोना ने देखा कि लाइट सिर्फ हमारे रूम की थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, और वो बनियान पहने हुए था और पैंटी पहना हुआ था, और वो ऐसे सोना को देखते हुए बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए साइड से निकल गया। सोना चिल्लाई, मतलब काफ़ी देर जोर से, मतलब चिल्लाना क्या, डरना तो था ही, तो वो चिल्लाई, तो मैं जल्दी से बाहर निकली, क्या हो गया? तो कहने लगी कि यहाँ से ना वो ईशू गया है। मैंने कहा पागल है, ईशू अभी लेट गया है, मैं उसको बोल के आई थी कि वो लेट जाएगा, इतना शोक। तो आगे देखा तो ईशू खुशी जो है दोनों लेटे हुए। तो मैंने पूछा भी कि क्या कोई बाहर आया था, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बाहर नहीं आया था। तो मैंने कहा कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही रहा होगा, मतलब नहीं दिखा होगा, जैसे ही परछाई पड़ी होगी। लेकिन सोना सच में बहुत डरी हुई थी, और हम ना बहुत टाइम समय तक यही सोचते रहे कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो फिर अचानक से जब सुबह जो है हम यही सोचते रहे कि इनमें से अगर कोई बच्चा भी था तो कौन था, क्योंकि उसकी उस मतलब शक्ल तो दिख नहीं रही थी, सिर्फ आँख दिख रही थी या वाइट कलर दिख रहा था, क्योंकि जो रोशनी थी हमारे रूम की वो बाहर तक आती है, तो वो मतलब दिख रहा था तो पता ही नहीं चला। सोना तो वास्तव में डरी थी, लेकिन ये चीज़ पहले भी कई बार हो चुकी है, पहले मेरे साथ हुई थी, लेकिन वो थोड़ा ऐसा नहीं था, कल का थोड़ा सा डर सा लगा, फिर उसके बाद उसने आगे बताया तो खुशी को भी डर लग रहा था। फिर हमने कहा नहीं नहीं चुपचाप से सो जाओ, सुबह पता चल जाएगा। रात को तो प्रभु ने बहुत सुंदर लीला मतलब दिखाई, वो आज की थी, अब शायद पता नहीं भगवान जाने क्या था, लेकिन सुबह जो है जैसे ही इसको केशव को नहलाने के लिए सोना ने उसको उठाया, तो तभी पता चला कि वो केशव था, क्योंकि केशव के जो ड्रेस था वो उसने बनियान और पैंटी पहनी हुई थी, और वो सुबह कह रही थी तूने मुझे क्यों डराया। तो मतलब कह नहीं सकते क्योंकि पूर्ण रूप से आप शक्ल तो नहीं देख सकते हो, लेकिन जो भी था, अब हंस रहा है जो भी कहो आप, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था, ये सत्य है कि किसी में भी ताकत नहीं है एक छोटी सी भी इस तरह की प्रक्रिया देखने की, खासकर हम जैसे, हम में क्या, किसी में भी नहीं है अचानक से इस तरह का होना। तो फिर हमने बाद में ध्यान आया वो वाली लीला जिसमें केशव आया था और सोना से कह रहा था, क्योंकि कुछ लीलाएं होती है जो मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि समय के मतलब अभाव के कारण, तो जिसमें केशव कह रहा था इतना लेट क्यों आए रूम में, इतना लेट क्यों सोना, मतलब उनको डिस्टर्ब होता है, मतलब कि अगर आप अपने समय पर आकर नहीं सोते हो, क्योंकि हम उनको लेटा देते हैं, और अगर आप आधे घंटे के बाद भी आओगे तो उनको तो डिस्टर्ब होगा ना। तो ये चीज़ हमको कल समझ में आई कि भई उनको आधा घंटा भी हम डिस्टर्ब ना करें, तो इस वजह से जो है हमने कहा है कि ठीक है अगर कभी हमको लेट होगा और हम कुछ काम भी करेंगे तो भई तुम्हारे रूम में नहीं सोएंगे। तो इस तरह की ये जो है हरकतें हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या है और क्या कहूँ मैं इस चीज़ को। और सुबह से सिर्फ ना यही हंस रहा है केशव, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि आपको याद होगा हमने पहले भी एक लीला मैंने आपको बताई थी कि इस तरह के मतलब होता था, कोई भागता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सच में हम डर जाते थे। फिर हमने एक बार प्रार्थना की थी प्रभु से, फिर उस तरह से कभी ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन कल बहुत दिनों के बाद हुआ। तो दोबारा से कल थोड़ा सा
एक चीज हुई तो मैं आप सबको बताऊं कि ये सत्य है, जब आप सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपकी छोटी सी गलती भी नोटिस होती है, ठीक है, कि आप भाई उनको डिस्टर्ब नहीं चाहिए। अब जैसे कि रोज़ का एक प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, डेली 4 बजे के करीब, 4:15 तक हम बच्चों को दूध देते हैं, ठीक है, और ये एकदम सत्य बातें हैं। और होता ये कि अब थक जाते हैं तो हम लोग ना 2 बजे, जैसे बच्चों का 1:30 बजे करीब इनका रेस्ट का समय होता है, और ये लोग 1:30 बजे तक अपना रेस्ट करते हैं, फिर हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और उसके बाद अब बच्चों का काम हो गया है, हम भी थोड़ा फ्री होने के बाद 2:30-3 बजे थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, 1 घंटे के लिए। जब लेटते हैं, आप यकीन मानिएगा कि एक एक बच्चा स्वप्न देता है, और क्या बोलता है वो भी बता, बड़ी महारानी हो रही हो, उठती नहीं है, अब सबको एक एक करके आना पड़ेगा क्या, दूध लेके आओ 10 ग्लास, किसी दिन 10 ग्लास मांगते हैं, किसी दिन 8 ग्लास दूध मांगते हैं। और मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, आगे मतलब जब सोना फिर बोलती है कि अभी रुक जा मैं तेरा नाम बताती हूँ, तो वो बच्चा तुरंत भाग जाता है, मतलब उसका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये डेली ऐसा होता है कि 4 बजे आपको जिसके जो भी दूध पिला रहा है, और दूध पिलाना है, वो व्यक्ति उठेगा ही उठेगा, उससे मतलब उसको ही उठना पड़ेगा। लाइक जैसे कि उन्होंने बोला कि सोना को उठना है, तो सोना ही उठेगी, वो उसको नहीं, अगर वो नहीं उठती है ना, तो मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि मैं मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा। सोना मतलब कई बार तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी तो आई थी यशोदा नंदन वाली बात पे, वो कह रहा है बड़ी महारानी हो रही है, उठती भी नहीं है, अब क्या एक एक करके सबको आना पड़ेगा क्या बताने के लिए, जा 10 ग्लास दूध लेकर आ। और मैं उस दिन इतना हंसी थी, इतना हंसी थी, मेरे को हे भगवान, मतलब 4 बजे उनको, हाँ अगर हम उस दिन घर पे नहीं है और सिर्फ खुशी है, तो ये सत्य है कि खुशी ये बोल के सोती कि मैं ना अगर सो जाऊं तो मुझे उठा देना, तो खुशी के तो चांटा ही पड़ता है डायरेक्टली मैं क्या बताऊँ, तो खुशी को तो एक दो बार चाटा भी पड़ा है। और आपको मैं कल की एक बात बताती हूँ, कन्हैया की, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को आज मन हुआ कि आपको बताऊँ, तो कल कन्हैया आता है, वही दूध का समय हो जाता है, तो आके कन्हैया बोलता है भाई हम तो लोगों को भक्ति के लिए उठाते हैं। मुझे ना हंसी भी आती है कुछ मतलब बातें बताते हुए, सब लोग बहुत हंसते हैं, तो आके कन्हैया कहता है भाई हद हो गई, हद हो गई, ये देखो ये बैठे हैं, देखो कितने बोल, इनकी भी मुस्कुराहट देखो, आके कहता है भाई हद हो गई है, किसी को उठना नहीं है, है ना, हम तो भाई लोगों को भक्ति के लिए उठाते हैं, और किसी को सोना नहीं है, यहाँ तो भैया नींद पे नींद आई जा रही है, ना पानी देते हैं ना दूध देते हैं, इससे अच्छा तो नीचे गैया का बच्चा आया था, मैं तो वही दूध पी लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो तभी मतलब सोना जो है उसको चिल्लाती है कि वो बच्चा है वो दूध कैसे देगा, तो बोला गैया मेरी है, सब सब दूध मिल जाता मुझे, कम से कम तुम तो दूध नहीं पिलाओगे। और भैया कमर पे हाथ रखे इधर से उधर जो है वो घूम रहा है और बोले जा रहा है हद हो गई भाई, नींद ही नहीं खुलती इनकी, तो नींद ही इनकी ख़त्म नहीं होती। आप सबको मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये प्रभु की क्या कृपा है, लेकिन ये सत्य है, मतलब रोज का है, चिल्लाते भी हैं क्वें 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 क्वें, जैसे चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, ऐसे इनकी हरकतें होती हैं, ये बेड से उतरते हैं बैठते हैं, आपको बस अगर नींद नहीं भी आ रही है तो वो नींद दिला देते हैं, अगर उनको अपनी बात कोई भी चीज़ मतलब पूर्ण करवानी है तो। हमें तो कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या होता है, और मतलब एक एक चीज़ मतलब कोई भी चीज़। और अगर गलती से हमारे घर पे कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए, मतलब कोई इंसिडेंस का हो या कोई रिश्तेदारी में, तो अगर वो चिल्लाता है तो वो व्यक्ति भी घर में आके चिल्ला नहीं सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, और ये सब प्रभु की लीला है। लेकिन जो भी है, तो इनकी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो मैं आप सबको बताऊंगी तो आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। ये जो कन्हैया है ना, मैंने पहले भी लीला, ये कभी भी ना, ये हमारा किचन में जो सिंक है उसके उस पे चढ़ने के लिए पता है क्या करता है, भगोना रखता है, भगोने के ऊपर एक भगोना रखता है, भगोने रख के फिर तब जाके ये ऊपर चढ़ता है, इसे गिरने का भी डर नहीं होता। अब लोग ना हमें पागल ही कहेंगे ना अगर मैं इस तरह की बातें किसी को बताऊंगी, तो सब हंसते हैं, मतलब तो ए हम ऐसा हो तो है कोई,
तो आप सबको याद होगी मैंने ये बहुत सारी लीलाएं डाली हुई है। तो एक बार ऐसे ही घर बत्ता बनाने की बात हुई थी, तो भैया उस दिन तो कन्हैया ने हद ही कर दी थी। वो भैया मुट्ठियों में नीचे से भर भर के रेत ला रहा था, तो फिर उससे पूछते भैया ये क्या कर रहा है, तो कह रहा घर बना रहा हूँ। अब भैया बच्चा है तो बच्चे जैसी ही हरकत करेगा ना वो। अब एक बार तो हमारी लाडो ने बोला चॉकलेट जो है इनको हमारे घर, मतलब हमारा घर तो है नहीं भैया, इन्हीं का घर है, तो इनको ये पता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। इधर गोलू, गोलू को भी दिखाते हैं, गोलू भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी गोलू भी हरकतें करते हैं लेकिन वो साक्षात ज़्यादा करते हैं, वो स्वप्न लीला कम करते हैं। अभी कल की लीला में तो मेरा गोलू बहुत रोया था, वो सोना को बोल रहा था कि तू मुझे प्यार नहीं करती है बिल्कुल भी। और कल वो रोए जा रहा था क्योंकि सोना ने क्या किया होगा कि उसको वो टी शर्ट जो है पहना रही थी, और उस टी शर्ट में शायद पाउडर लगा हुआ था। मतलब रात को पाउडर लगाते हैं तो हो सकता है वो धोने के लिए रह गई होगी, मतलब कपड़ों में आ गई होगी, तो उस टी शर्ट में पाउडर लगा हुआ था और सोना उसी को पहनाने की चेष्टा कर रही थी गोलू को। तो वो रोए जा रहा था कि मैं ये पाउडर लगा हुआ टी शर्ट नहीं पहनूंगा। तो भाई इनकी ये सब चीज़ें भी हमें करनी पड़ती है, ये स्वयं करवाते हैं। अब कोई मुझसे ये कहे या किसी और से, और आपको ये भी बताऊं कि ये बहुत सारी चीज़ें हमें सुनवाते भी हैं। अब बहुत से भक्त बोलेंगे दी आपको कौन कहेगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हमें बोल देते हैं क्या भगवानों को लिए घूमते रहते हो, क्या पागल बनती है, कभी गोवर्धन जाते हो जिन्होंने एक उंगली पर प्रभु ने गोवर्धन उठा लिया, तुम उनको कंधे पे बिठा के गोवर्धन घुमाते हो। अब मैं किसी, हम लोग किसी से कुछ नहीं बोलते, हम तो कहते हैं प्रभु जी आप क्या करते हो ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, और आप जो कर रहे हो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम खुश हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और ये सब भाव ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, यहाँ तक कि अगर जैसे मम्मी हमारी शाम को लालाओं के लिए भोग प्रसादी देती है, और अगर इनको खाना दोबारा से बनवाना है तो भाई वो खाना फिर मेरे को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि नहीं भाई अब तुम बनाओ, अगर इनको पसंद नहीं आया है। और अगर गलती से किसी ने भी ये किया कि आप बाहर गए हो और कुछ खाकर आ गए हो, और इनको तो भाई वो पता चली जाना है कि हमने कुछ खाया है बाहर जा, तो जैसे बाहर एक बार हमने फ्रूटी पी ली थी, तो होता है कभी कभी बच्चों जैसे संबंध, तो इनको पता चल जाता है, तो कन्हैया ने आते हाँ मुझे सब पता है फ्रूटी पी पी के आते हो, कोई भी मुझे लाके नहीं दिया, और हमसे कहते हो नहीं फ्रूटी नहीं पीनी चाहिए, तो मैं कैसे बताऊँ, इनको हर चीज़ पता है। तो एक बार इसी बात को जब मैं ऐसे बता रही थी, तो रिलेशन में ही थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब कान्हा जी तुम्हारी हर चीज़ करते फिर तुम्हारे लिए बहुत, मतलब जो तुम मांगते हो वो सारी चीज़ें दे देते होंगे। मैंने कहा नहीं, ये एक चीज़ याद रखना, प्रभु आपको वही देते हैं जो आपकी भक्ति को बढ़ाता है, जो आपके स्वार्थ को कम करता है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ मांगूंगी पर्सनल यूज़ के लिए, सोना के लिए, खुशी के लिए, इशू के लिए, वो मेरा स्वार्थ हो गया, ठीक है, लेकिन हम प्रभु से रिलेटेड कुछ चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं, तो उनको प्रभु ज़रूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वार्थ से अलग होता है, क्योंकि उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ चीज़, कोई भी चीज़ इस्तेमाल की हुई है वो भक्तों तक ही पहुँचती है, पहुंचती है कि नहीं। जैसे इनके जो वस्त्र है, जो मतलब मुझसे कहते हैं तो मैं लालाओं के वस्त्र जो है उन्हीं को देती हूँ जो उनको पहन सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, प्रभु उन्हीं को पूर्ण करते हैं। और अगर हम ये सोचें कि नहीं भक्ति करने के बाद हमारे पास ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी, हमारे पास धन दौलत आएगी, बड़े घर बंगले आएंगे, तो ये सब मूर्खता भरी बातें हैं, उन पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं है। भक्ति ये तो प्रभु की कृपा है यहाँ पर कि ये हमारे साथ ऐसी हरकत है, क्योंकि हम भी शायद उनके साथ ऐसी ही सोच रखते हैं, और हमें पता है, हम डरते हैं कि लाला यहाँ तो नहीं है। अब हमारे हर घर में भगवान के ना चित्रपट है ज़्यादातर, मतलब पहले से ही थे वो, तो वो अब हमने लगा दिए, तो अब एक रूम को हमने खाली किया कि एक रूम में भगवान का नहीं, क्योंकि हम लड़कियां हैं तीन घर में, तो एक रूम थोड़ा ऐसा रहना चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि भगवान कैसे भी करके, चाहे वो गौमुखी के रूप में आ जाते हैं या किसी भी रूप में, या फिर श्रृंगार के रूप में आके हमारे उसी रूम में जाके बैठ जाते हैं। अब हमारे पास कोई रूम नहीं बचता है कि जहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी हो, तो हम भगवान से कहते हैं क्या कहना जी आप कहीं भी बैठ जाते हो, थोड़ा सा तो हमें मतलब एक जगह ऐसा होना चाहिए कि मतलब ज़रूरी है। तो आप मुझे वो सखियों वाली जो सखियाँ थी, गोपियाँ थी, उनकी वो लीला याद आ गई कि जब वो रोती थी और कहती थी और हर किसी से कहती थी कि ये हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। तो ये सत्य बात है, अगर आप प्रेम करते हो तो प्रभु आपको एक पल के लिए भी रिक्त कहीं भी नहीं छोड़ते।
अब आप सबको हमारी ये बातें क्या लगती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमारे लिए ये बातें बहुत बहुमूल्य हैं, बहुत ज्ञानवर्धक हैं और हमें आनंद देती है। हम इसी के बहाने हंसते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। तो खूब सारा प्रेम आप सभी को, राधे राधे, श्री हरिदास।